इस वीडियो में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ओर से लेटेस्ट में जो भी नोटिस एंड अपडेट्स है, चाहे वो रिजल्ट्स को लेकर हो और फॉर्म्स को लेकर और जो भी अब तक स्टूडेंट का नॉर्मली जो क्वेरीज आ रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके लिए आपको गूगल पे जाना होगा, सर्च कर लेना है आपको एमयू एग्ज़ाम कंट्रोलर, क्योंकि कोई भी अपडेट्स या कोई भी चीज़ अगर आपको चाहिए लाइक एमयू से रिलेटेड, ज़रूरी है कि एमयू की वेबसाइट पे जाकर विजिट किया करें। ये रहा इनका ऑफिशियल वेबसाइट, आप इस पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे इनको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि फाइनली एमयू ने जो भी स्टूडेंट क्लास 9 के लिए जो भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए थे उनका लिस्ट आ चुका है आपको। ये टॉप पे दिख जाएगा यहाँ पे, लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स शॉर्टलाइज फॉर द इंटरव्यू ऑफ, क्योंकि आपको पता ही है कि 6th और 9th इन दोनों में जो है इनके एक वेबसाइट पर आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप अलग अलग क्लासेस का रिजल्ट आप चेक कर सकते हैं। इन सब रिजल्ट्स में एक ही बात इंपॉर्टेंट है, जैसे फर्स्ट का भी आया नहीं, 6th का आ चुका है पहले ही, 9th का फाइनली आया। इसके अलावा अभी NRI और फॉरेन स्टूडेंट का आना बाकी है, लेकिन इन रिजल्ट में बस एक चीज़ कॉमन है, चाहे वो 6th का हो या 9th का हो, इन दोनों का आप जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट हो उनका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू के टाइम में अपना एडमिट कार्ड, आपने फॉर्म फिल किया है वो रजिस्ट्रेशन स्लिप और मार्कशीट हो गया, ये सब लेकर जाएंगे। अब अगर इंटरव्यू का डेट देखा जाए तो 2 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में आपका इंटरव्यू होगा वाइज स्टूडेंट के लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। और 2 अप्रैल से जो इन्होंने डेडलाइन दिया है उस हिसाब से देख लीजिए, मतलब रोल नंबर के हिसाब से इन्होंने बताया कि अगर 2 अप्रैल को आपका इंटरव्यू होता है तो इतने से इतने रोल नंबर के बीच का टाइमिंग ये है और ये से ये रोल नंबर का टाइमिंग ये है। ये वो स्टूडेंट है जो सेलेक्ट हुए हैं, लगभग 6 पेजेस में इनका रियल्स है। अच्छा, एक सवाल ये कि इंटरव्यू होगा कहाँ पे, तो आपको अलीगढ़ जाना पड़ेगा पहला, और एमयू में ही STS स्कूल है, वहाँ जाकर आपको इंटरव्यू के लिए रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। जो भी आपको डेट दिया गया उसी डेट के हिसाब से आपको पहुँचना पड़ेगा। एक तो मैं आपको अभी रिजल्ट्स के बारे में, यहाँ पे 9 और 6 के बारे में दोनों का सेम ही है, बस अलग अलग डेट हो सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो मैं पहले बताना चाहूँगा एमयू का, चाहे वो NRI का फॉर्म हो या जनरल या सिंपल, अभी हम आपको इस वाले वेबसाइट पर लेकर चलते हैं। मैं बस आपको यहाँ पे ये बताने की कोशिश में हूँ कि एमयू का लगभग सारे कोर्स का फॉर्म आ रखा है, मतलब अगर आप एमयू में CUET के थ्रू भी एडमिशन लेना चाहते हैं उसका भी फॉर्म आ रखा है और उसका भी फॉर्म फिल करने का लिंक यही है। इसके अलावा एमयू में जो एंट्रेंस बेस हो रहा है, यानी कि एमयू का सिंपल सी बात है, एमयू का लगभग 10 से 15 कोर्स ऐसे जो CUET में शामिल है और रिमेनिंग जो कोर्सेस है जो एमयू खुद ही अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम लेगी। तो जो 15 कोर्स है अगर उसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो भी आपको एमयू का फॉर्म फिल करना पड़ेगा, और जो CUET में नहीं गए हैं यानी जिनका एग्ज़ाम खुद ले रहे हैं एमयू, उसका भी फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा। फिल करने का लिंक ये है। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे, मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि जो भी स्टूडेंट फॉर्म फिल कर रही हैं तो फॉर्म फिल करने में 4 ऑप्शन आते हैं, एक जनरल आता है, दूसरा NRI का आता है और तीसरा फॉरेन नेशन का आता है। अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो NRI कोटा से फॉर्म अप्लाई करते हैं, कुछ फॉरेन स्टूडेंट भी अप्लाई करते हैं, कुछ जनरल, तो इंडिया से जो है वो जनरल के थ्रू अप्लाई करेंगे, बाकी NRI। और इसके अलावा मैंने वीडियोस बनाए हैं आप वो देख लीजिएगा, लेकिन इन सब में इंपॉर्टेंट ये है कि आपके सारे कोर्सेज का फॉर्म आ चुका है, कोई भी ऐसा कोर्स अब बाकी नहीं रहा है जिसका फॉर्म नहीं आया हो, लगभग इन्होंने सारे कोर्स का फॉर्म रिलीज़ कर दिए। हाँ, कुछ ऐसे इनके कोर्स हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं, इसके अलावा PhD के हैं, उनका भी यानी Session 23 का भी नहीं आया है और आएगा तो आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी इनका अंडरटेकिंग है उस हिसाब से, अगर मतलब किस तरीके से अंडरटेकिंग का सीन होगा वो, जैसे अब जैसे CA का डिग्री होता है वो हो गया, जो एलुमनाई होते हैं उनके बारे में ये सारी चीज़ हो गया। बाकी किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट करिएगा, उस पर वीडियो हम बना देंगे, और आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब